गुड इवनिंग टू ऑल आर असिस्टेंट प्रोफेसर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट रखा गया है उसके अंदर जो टॉपिक हैं उनका एक क्विक रिविजन इस वीडियो के माध्यम से अपन कर लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनका क्विक रिकैप लेंगे केवल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डायमेंसन्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री में द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज प्रोपोज बाय रदरफोर्ड ये अपन पीछे जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस कंटेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ टेन टू पावर माइनस फोर्टीन टू टेन टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन जनरली एक्सप्रेस इन फर्मी यूनिट्स वन फर्मी इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर होता है ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वन फर्मी और इक्वल टू माइनस थर्टीन टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नॉलेज ऑफ मास नंबर बाय अप्लाइंग द इम्पेरिकल रिलेशन और ये रिलेशन है आर इज़ इक्वल टू आर जीरो ए की पावर वन बाई थ्री इससे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर वन बाई थ्री इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर हियर आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर ए आर जीरो ए कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर वन बाई थ्री और आर जीरो इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू पावर फोर्टीन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और टेन टू पावर इलेवन ग्राम किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज टेन टू पावर माइनस थर्टी एट सेंटीमीटर क्यूब क्लियर Relation between different different nuclides, a nucleus with specific mass number and atomic number is called nucleide. Specific mass number and atomic number is called nucleide. A nucleide represent by specifying the atomic number as subscript and at the left hand bottom and the atomic symbol and the mass number as a superscript at the left hand top of the symbol. Here are ninety-two uranium. थ्री फाइव नाइनटी टू थर्टी एट यूरेनियम कार्बन ट्वेल्व और नाइट्रोजन फोर्टीन तो ए न्यूक्लियस विद स्पेसिफिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कॉल्ड न्यूक्लियाड दीज आर ऑल न्यूक्लियाड आइसोटोप्स अब देखो आइसोटोप्स द न्यूक्ड विद सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स अपन अच्छी तरीके से जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के तीन तीन आइसोटोप्स हैं आइसोबार्स द न्यूक्ड विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कार्ड आइसोबार्स ये आइसोबार्स हैं सेम मास नंबर क्लियर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आइसोडायाफर्स दिस इज इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट द न्यूक्ट्स हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रोनों और प्रोटोनों का डिफरेंस जो है वो सेम हो जैसे यहाँ यूरेनियम 92 टू है और टू थर्टी एट है यहाँ थोरियम नाइन्टी है और टू थर्टी फोर इनके अंदर प्रोटॉन इसमें 92 है इसमें 90 है अंतर कितने का है दो का डिफरेंस है यहाँ प्रोटोनों की संख्या यदि मैं बात करूँ तो अपने आ रही है नाइन्टी टू और नाइन्टी इनमें डिफरेंस है दो का अब इनमें न्यूट्रॉन निकालें तो इसमें से ये घटा दें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे टू थर्टी एट माइनस नाइन्टी टू सिक्स थर्टीन में से नाइन गए फोर और वन वन फोटी सिक्स इधर फोर थर्टीन माइनस नाइन वन फोटी फोर कितने का डिफरेंस है दो का तो प्रोटोनों और न्यूट्रोनों का डिफरेंस सेम हो प्रोटोनों का डिफरेंस और न्यूट्रोनों का डिफरेंस यदि सेम है तो वो आइसोडायाफर्स कहलाते हैं आइसोडायाफर्स क्लियर दूसरा एग्जाम्पल और है देखो इसमें इसमें प्रोटॉन है एक इसमें प्रोटॉन है तीन एक और तीन में कितने का अंतर है दो का अंतर है न्यूट्रॉन कितने हैं? ऊपर वाले में न्यूट्रॉन है दो नीचे वाले न्यूट्रॉन कितने हैं? चार सॉरी इसमें न्यूट्रॉन सात में से तीन गए चार कितने आ गए दो डिफरेंस क्या है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों का डिफरेंस बराबर तो ये होंगे आइसोडाया फर्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी अपने न्यूक्लियस को जिन पार्टिकल्स हैं वो बना है उसमें तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है क्या कहलाती है बाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरिटिकल मास एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियाइड इज कॉल्ड मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरिटिकल मास और एक्चुअल मास फॉर्मूला है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम डेल्टा एम है मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे जेड है या एटॉमिक नंबर ए है या मास नंबर एम पी मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन और एम एक्चुअल मास है न्यूक्लियाड का क्लियर थ्योरिटिकल मास माइनस एक्चुअल मास तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना अपने को जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम क्लियर एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल टुगेदर इन द न्यूक्लियस एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट जो मास डिफेक्ट के बराबर एनर्जी है वो जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनको साथ रखने के लिए उत्तरदायी होता है एक ए एम यू बराबर होता है नाइन थ्री वन पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम ई वी क्लियर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कैसे आएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का क्या कर दो मास नंबर से डिवाइड कर दो पर न्यूक्लियन आ जाएगी अब देखो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टोटल बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का भाग दे दो आ जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन मास नंबर फर्स्ट इंक्रीजेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास नंबर रिचेज ए मैगजिमम अराउंड मास नंबर सिक्सटी साठ तक पहुँचने के बाद मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग क्लियर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज अबाउट एट पॉइंट फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम ई वी Iron 2656 has highest value of average binding energy. This is the important line. Iron 2656 has highest value of average binding energy. Next, nuclear forces. The forces which hold nuclear particles together are nuclear forces. Nuclear forces are much, much stronger than 20, uh, 10 to the power 21 times than the electrostatic forces. स्थिर विद्युत आकर्षण बलों से टेन टू पावर ट्वेंटी वन टाइम्स मोर स्ट्रोंगर होते हैं यूकावा प्रपोज दैट मिसोन्स प्रजेंट इन न्यूक्लियस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स टूगेदर दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन यूकावा प्रपोज दैट मिसोन्स प्रजेंट इन द न्यूक्लियस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियर पार्टिकल्स टुगेदर क्लियर मी में भी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल्स मी में भी पॉजिटिवली नेगेटिवली और न्यूट्रल चार्ज क्लियर नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी नेचुरल रेडियोटी की वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकुरल रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिन ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेज बाई एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड radioactivity is nuclear phenomenon it remains unaffected by external conditions such as temperature pressure presence of catalyst or oxidation state of the elements important line clear radioactivity radioactivity was first discovered in uranium compound potassium uranyl sulfate के टू यू ओ टू एस ओ फोर का होल ट्वाइस टू एच टू दिस इज़ द इंपॉर्टेंट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूरेनियम कंपाउंड पोटेशियम यूरेनियल सल्फेट के टू यू ओ टू एस ओ फोर का होल ट्वाइस टू एच टू नेचुरल रेडियोएक्टिव रेडिएशंस मेस कंटेन थ्री टाइप ऑफ रेज अल्फा बीटा एंड गामा लाइटेस्ट रेडियोएक्टिव आइसोटॉप इज़ ट्राइटियम ऑल न्यूक्लिया विद एटोन नंबर ग्रेटर देन 83 थ्री आर रेडियो ग्रेटर देन 83 थ्री आर रेडियो टेब करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा एंड रेज। प्रॉपर्टी मास अल्फारेज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी अल्फारेज हीलियम न्यूक्लियस फोर एम यू बीटा रेज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी वन यानि इलेक्ट्रॉन और गामा रेज मास नेगलीजिबल चार्ज प्लस टू यूनिट माइनस वन यूनिट जीरो एडेंट ही न्यूक्लियाई एच ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी रेडिएशंस गामा रेज वेलोसिटी नियर वन टेंथ ऑफ लाइट नियरली सेम एज द लाइट और सेम एज द एज दैट ऑफ लाइट लाइट का वन टेंथ होता है अल्फा रेज सेम नियरली बीटा रेज और सेम एज ए लाइट वेलोसिटी गामा रेज ये वन टेंथ होता है उसका लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिफ्लेक्टेड टू नेगेटिव पोल डिफ्लेक्टेड टुआर्ड पॉजिटिव पोल नॉट डिफ्लेक्टेड ये पॉजिटिवली चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज और ये अनचार्ज पैनिट्रीटिंग पावर स्मॉल लार्ज हंड्रेड टाइम्स दैट ऑफ अल्फा एंड वेरी लार्ज वेदन क्षमता टेन थाउजेंड टाइम्स दैट ऑफ अल्फा रेज हंड्रेड टाइम्स टेन थाउजेंड टाइम्स इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट एंड जिंक सल्फाइड इफेक्ट ऑन अफेक्टेड मोर स्ट्रांगली देन बाई बीटा एंड गामा रेज इफेक्ट इज लेस अल्फा रेज एंड लीस्ट इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है अल्फा उससे कम बीटा और सबसे कम गामा रेज क्लियर